क्या आपको पता है खून की कमी के लक्षण क्या है? नहीं जानते तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, घरेलू उपचार इस आयुर्वेदिक चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में ब्लड की कमी की बहुत बड़ी समस्या है। देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या इस समस्या से जूझ रही है और इसकी मुख्य वजह गलत खान पान है। इसके अलावा खून में आयरन यानी लोह तत्व की कमी से भी ब्लड कम होता है। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर धीरे धीरे कई बीमारियों से घिरने लगता है। देश के ज़्यादातर लोग स्वादिष्ट खाने को महत्व देते हैं, जिसमें स्वाद तो भरपूर होता है लेकिन इसमें पौष्टिक तत्व बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से अच्छा खाना होते हुए भी यह सेहत में कोई सुधार नहीं लाता है। खून में आयरन की कमी, पौष्टिक आहार और पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना, दुर्घटना में काफ़ी खून बह जाना लेकिन इसके उपचार के दौरान खून की कमी को पूर्ति नहीं कर पाना, शरीर को जरूरत के हिसाब से पौष्टिक आहार न मिल पाना, बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाना, इसकी वजह से बच्चों को बड़े होने पर कम वजन का सामना करना, टीबी जैसी बीमारियों में रक्त की कमी होना आदि उपर्युक्त कारणों की वजह से ब्लड की कमी होती है। उपर्युक्त कारणों से आप जान गए होंगे कि शरीर में खून की कमी किस वजह से होती है, लेकिन यदि आपको शरीर में भी रक्त की कमी है तो इसे कैसे पहचान पाओगे? आपको बता दें कि जैसे ही शरीर में खून यानी ब्लड का स्तर सामान्य से कम हो जाता है तो शरीर इसके लक्षण बताना शुरू कर देता है। यदि इनको पहचान करके आप समय पर इसका उपचार शुरू कर देते हो तो रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको खून की कमी के 15 मुख्य लक्षण बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और आयुर्वेद से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैप कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। पहला लक्षण, व्यक्ति को थकान महसूस होती है। व्यक्ति थोड़ा सा भी काम करे तो उसे अत्यधिक थका हुआ सा महसूस होता है। दूसरा लक्षण, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। व्यक्ति कितना भी काम में मन लगाना चाहे तो उसका काम में मन नहीं लगता है। तीसरा लक्षण, रोगी की त्वचा में पीलापन आने लगता है। आँख नाखूनों को बारीकी से देखने पर पीलापन साफ दिखाई देता है। चौथा लक्षण, होठों एवं नाखूनों का रंग बदल जाता है। सामान्य खून की मात्रा में होठों का रंग लाल और नाखूनों का रंग सफ़ेद होता है, मगर खून की कमी से यह बदल जाता है। पांचवा लक्षण, थोड़ा सा ही चलने पर सांस फूलने लगती है। यह खून की कमी से ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से होता है। छठा लक्षण, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि हृदय को ज़्यादा मात्रा में खून उपलब्ध नहीं होता है। सातवां लक्षण, आँखों की समस्या होना, जैसे नींद नहीं आना और आँखों की रोशनी कम हो जाना क्योंकि आँखों को खून पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। आठवां लक्षण, अक्सर हाथ पैरों को सुन्न हो जाना। खून की कमी से हाथ पैरों की कोशिकाओं में यह दर्द उत्पन्न होता है। नौवां लक्षण, अचानक से व्यक्ति का वजन कम हो जाना। खून की कमी के कारण खाना हजम नहीं होता है और इसका परिणाम वजन कम होने में होता है। दसवां लक्षण, मन चिंतित होने लगता है। यह अक्सर ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ग्यारहवां लक्षण, तनाव एवं सामान्य से ज़्यादा बार सिर दर्द होना। सिर को ताज़ा खून उपलब्ध न होने के कारण ऐसा होता है। बारहवां लक्षण, दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना। दिल को सामान्य रूप में काम करने के लिए पर्याप्त खून न मिलने से यह होता है। तेरहवां लक्षण, कमजोरी महसूस करना। मांसपेशियों को खून की कमी से यह लक्षण दिखने लगता है। चौदहवां लक्षण, हाथों और पैरों का ठंडा पड़ जाना। और आखिरी 15वां लक्षण है, बालों का झड़ना। तो अब आप खून की कमी के लक्षण जान गए होंगे। यह हमने आपको 15 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि इनमें से कोई भी आपको लक्षण दिखने लगता है तो आपको सतर्क हो जाना है।
रक्त की कमी की एक बड़ी समस्या है। यदि व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसका शरीर बीमारियों से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से रोगी को कोई धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां घेरने लगती हैं। अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण दिख रहे हैं तो आपको जल्द ही खून की कमी को कैसे दूर करना है इसका इलाज देख लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।